नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नीमच की प्यास बुझाने वाले तड़केकाल जादू सागर डैम से आ रही है, जहां पर चादर चलने की खबर जो है हमारे पास है। जो वहां की चादर चल चुकी है, बीते रात से जो है पानी का दौर शुरू हो चुका है। और वहीं अगर बात किया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे चीफ रिपोर्टर हरिओम जी, जो ग्राउंड जीरो में मौजूद है। उनसे बात करें किस तरीके से चादर चली और किस तरीके से पानी की आवक है। हरिओम जी बताइए, किस तरीके की जो है खबर आपके पास आ रही है चादर चलने की? जी नवीन जी, कल तेज बारिश होने के कारण राजस्थान छोटे सरडी इधर बड़ा सनौदा नाला कमेंट एरिया पूरा फुल लाने से जादू सागर बांध की चादर चल चुकी है और यहाँ पे सैकड़ों सैलानी आने की संभावना है यहाँ पर देखने के लिए। हरिओम जी, अगर बात की जाए तो क्या वहाँ सैलानी, आप जिस तरीके के वहाँ के सैलानी वहाँ पर आएंगे और आने लेंगे चादर का, तो क्या माना जाए पर प्रशासन ने कोई व्यवस्था की उनके लिए कोई घटना दुर्घटना ना हो? प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, पिछली बार भी एक घटना हो चुकी थी। यहाँ पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, चौकीदार है वो भी इस संबंध में कोई ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहाँ पे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर जो रेलिंग बनी हुई है वो भी टूटी हुई है और जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं मतलब वो भी अंदर कभी गिर सकते हैं, और नगर पालिका का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। हरिओम जी, अगर बात की जाए तो क्या प्रशासन यहाँ पर लापरवाही बना हुआ है, या फिर ऐसा माना जाए कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, पर्यटन स्थल है अच्छा है, लेकिन आज तक यहाँ ध्यान नहीं दिया किसी नेता ने दिया? आपके जीरन से लगा हुआ है, जीरन के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, नीमच के विधायक हुए या फिर स्थानीय प्रशासन हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया? क्या माना जाए कि एक बढ़िया पर्यटन स्थल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी नीमच नगर पालिका की निर्वाचित अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ही बनी है, उन्होंने अभी तक यहाँ पर आके नहीं देखा। यहाँ पर एक अच्छी प्लानिंग करे तो बहुत अच्छा व्यवस्थित डेवलप हो सकता है यहाँ पे। और तो ठीक, पर यहाँ पर जादू सागर जो बांध है वहाँ पे एक बोट तक नहीं बना हुआ है यहाँ पे निकलते हुए। पानी की आवक लगातार जारी है, तो क्या माना जाए कि और जो है चादर तेजी चल सकती है, यहाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, प्रशासन को ध्यान लगाना चाहिए। और यहाँ पर जो एक सबसे खास बड़ी बात है कि यहाँ पे मछुआरे जो है वो भी बहुत ज्यादा तरीके से यहाँ पर सैलानी आते हैं और उनके सामने ही मछली पकड़ी जाती है, इस प्रकार से इनके ऊपर भी कुछ कार्यवाही करनी चाहिए प्रशासन द्वारा। जी 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 जी, तो ये थे हरिओम जी रिपोर्टर जो हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद थे, जिन्होंने पल पल के अपडेट बताई किस तरीके से वहाँ पर चादर चल चुकी है। साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर जो होनी थी वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चादर चलने के बाद जो है हजारों सैलानी वहाँ पहुंचेंगे और आनंद लेंगे, लेकिन आनंद के बीच जो प्रशासन को वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।